السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك لكتير كوراني كورس سنره ونحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدام من لساني يفقه قولي ستة ياسين آية نمبر لے کے نمبر एटी थ्री तक पिछला पार्ट जो हमने सद यासिन का हमने सुना पढ़ा था उसमें थी आयत नंबर एक से लेकर बारह तक जिसमें हमने मुख्तफ आयात आया को एनालाइज किया था तो इसमें जो हमने लास्ट आयत जो पढ़ी थी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो था लास्ट लेक्चर का आशा रहा हूँ कि कहे का क्या कहा जा रहा है कि कहे जो तुम अमल करते हो वो अल्लाह ताली नोट कर रहे हैं और नोट करने के लिए क्या है ये काम फरिश्तों के जमे था और क्या कुछ नोट किया जा रहा है मैं नक्दूद रहा हूँ कि जो हम कदम उठा रहे हैं जो हम लिख रहे हैं और जो हम आगे भेज रहे हैं वक्ल्ला शहीन आसिन इम इमाम मुबीन और हर चीज़ को हमने क्या है शुमार करके रखा है एक वाज़ किताब इमाम मुबी में तो ये हमारे नाम अमाल की बात थी इसमें आसार की बात हुई थी कि जो हमारे अमाल दूसरों पैसा छोड़ते हैं वो भी काउंट किए जाते हैं अब आगे हम चलते हैं कि आगे क्या कहा जा रहा है आप इनके सामने एक मिसाल बयान कर दीजिए किसकी मिसाल बस्ती की मिसाल जबकि इस बस्ती में कई रसूल आए क्या है नवी अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि क्या किया करें वो ये करें कि लोगों के सामने एक बस्ती का वाक़ है। करें बस्ती का जिक्र नहीं बस्ती के नाम का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि क्या है बस्ती के नाम से हमारे कोई ताल्लुक़ नहीं है बस्ती के नाम जानना या ना जानना हमारे लिए अहम नहीं है उस बस्ती में हुआ क्या उस बस्ती के ख़ास वाक्य क्या था उस बस्ती से के ज़रिए अल्लाह तो सिखाना क्या चाह रहे वो सुनना वो जानना ज़्यादा अहम है तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक मिसाल है कि जब उसमें कई रसूल आए यानि कहा जाता है कि ये क्या है क़ुरान ने तो हमें ये नहीं बताया कि क्या है कौन सी बस्ती थी लेकिन इसके बारे में आता है कि ये शाम के शहर था कोई अंताकिया नाम का जो तुर्की और शाम की सरहद पे वाक़ है तो उस बस्ती का जिक्र है अंताकिया की बस्ती का और बस्ती का क्या जिक्र है कि कई हमने उसमें रसूल भेजे कहा जाता है कि वहाँ पे का जो बादशाह था वो बुतप्रस्त था और क्या बूतों को पूजने वाला था तो अल्लाह ताला ने क्या किया उनके अंदर रसूल भेजे वो कै कैसे भेजे इस ना अलह उस नैनी फ़क़र जब हाफ़ा आजज ना बेसालि से जब हम उनके पास दो को भेजा सो उन लोगों ने दोनों को चुटलाया फिर हमने तीसरे से तारीफ की सो इन तीनों को चुटला दिया उन्होंने बात क्या है ये क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस बस्ती के अंदर एक साथ यानी एट अ टाइम दो पैम्बर भेजे गए कि क्या है वो अपनी कौम को तोहहीद की तरफ बुलाएँ जो बुत परस्ती है उसको छोड़ दें लेकिन क्या है इतने अहतमाम इतनी हदायत के इंतज़ाम के बावजूद वो ना माने तो अल्लाह ताला ने एक नबी और भेजा लेकिन इन्होंने क्या किया ना मानना तो क्या है जिन्होंने नहीं मानना होता है चाहे उनको जितने भी दलाइल दिए जाए चाहे उनको जितने कितने भी लोग आके समझाएँ चाहे अल्लाह की तरफ से ख़ास मखसूस बंदे हो पेकम्बर की सूरत में या अल्लाह तारा के नेक उस वाले बंदे जिनके ज़रिए पैगाम पहुँचाया जा सकता है मगर जिन्होंने नहीं मानना होता जिनके अंदर हिदायत की ख्वाहिश नहीं होती वो नहीं मानते क्या कहा जा रहा है इन्होंने क्या कर दिया था नबियों को चुटला दिया था और फिर अल्लाह ताला ने क्या किया अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके पास तीसरा पकड़ भेजा लेकिन उन्होंने इसे भी चुटला दिया काल उमा तुम्ला बशरमसमशा तुम्ला तो क़र अल्ला कहते हैं इन लोगों ने कहा कि तुम तो हमारी तरह मामूली आदमी हो और रहमान ने कोई चीज़ नाजु नहीं की तुम न झूठ बोलते हो या? क्या आया? लाने क्या इल्ज़ाम लगाया झुटलाने की हजत क्या पेश की बहाना क्या बनाया कि तुम हमारी तरह के एक इंसान हो तो हम नहीं मानते कि तुम ये जो हमें बातें बता रहे हो रहमान की तरफ से नाजिल की गई है तो मगर उन्होंने क्या किया इस चीज़ को चुटलाएम अनहमान ये क्या है ये रहमान की तरफ से नाजिल नहीं किया गया कि ये तुम कहते हो कि एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए ये क्या है इन अंतिम अल्लाह तो तुम ये अपने आप से खड़ रहे हो अपने आप से ये मामला कर रहे हो तो अक्सर जब इंसान ने हिदायत को नहीं मानना होता हक़ को नहीं मानना होता तो वो क्या उल्टा हक़ की मुखालफत के लिए खड़ा हो जाता है और जो हक़ बता रहा होता है उसकी भी मुखालफत करना शुरू हो जाता है इन सर तुम अजीब कजीबून और सरासर सामने मुँह भी उन्हें कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो कलू रबू ना यालम उ इन्नासलून उन्होंने भी ने क्या जवाब दिया ये हमारे परवरदगार का है कि इन दस्तूरों ने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि बेशक हम तुम्हारे पास भेजे गए हैं कि हमारे सच्चा होने के लिए हमारे रब की गवाही काफ़ी है कि हमारा रब जानता है कि उसने हमें भेजा है कि क्या है हम तुम्हें ये पैगाम पहुँचा दें मामा अलैन अलबलामी वो नहीं है हमारे ज़िम्मे मगर वाज तौर तो पर वो चाह देना यानी ये तो हमारा काम है हमें अल्लाह ताला ने इस काम के लिए मुकर किया है अब हमें ये काम तो करना है तुम नहीं मानते तो ना मानो मगर हमारे लिए तो जब काफ़ी है हमने मैसेज को कन्वे करना है हम जबरदस्ती करने के लिए नहीं आए हैं हम इस पेगा को इम्पोज़ करने के लिए नहीं आए हैं हम लोगों के रिएक्शन की ज़िम्मेदार नहीं है हमारा क्या काम है माँ अलैना अल्लाबलामबी हमारे काम सिर्फ ये है कि अल्लाह के मैसेज को आगे कन्वे कर देना अल्लाह ताला के मैसेज को आगे पहुंचा देना तो हो सकता है कि मैसेज पहुंचाने में अक्सरियत इनकार करने वाली हो कहीं वो एक कोई एक शख्स मान भी जाए सो में से एक शख्स भी मान जाए तो कहें हमारे लिए यही काफ़ी है क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी की हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे सर पर नहीं रखी हाँ हमारे सर पर ज़िम्मेदारी है तो क्या इस मैसेज को कन्वे कर देने की आगे पहुँचा देने की और जब हम काम के लिए निकलते हैं इस काम के लिए लोगों को दीन की तरफ जोड़ने के लिए हिदायत दिखाने के लिए तो क्या हम लोगों के रिएक्शन से मुतासर हो जाते हैं नहीं वो नहीं मानेंगे हमसे नहीं होगा वो तरह तरह के हज़तें करेंगे लोग नहीं मानते लोग नहीं सुनते तो आज के दौर में क्या है कुरान की बात करने सोचिए भी नहीं तो ऐसा नहीं है हमारा क्या काम है पहुंचा देना दूसरों को हिदायत ना या हिदायत ना देना वो रबालमीन का काम है तो जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह पे छोड़ दें और जो हमसे अल्लाह काम लेना चाहता है उसे हमें करना है कल् तक तनता जुमन कोसनक अजाबलीम उन्होंने कहा हम तो तुमको मजनूस समझ लेते हैं अगर तुम नाबाइ आए तो हम बत्रों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ़ ये क्या है उन्होंने क्या कहा काल इन्ना तो ना के क्या है उन्होंने कहा हम तो तुमको मनहूस समझते यानी ये जो तुम हमें रब की तरफ बुला रहे हो तुम्हारी ये जो तबलीग़ का काम है इसका इम्पेक्ट तो बहुत बुरा पड़ रहा है तुम्हारी वजह से घर घर में डिवीज़न हो रही है तुम्हारी वजह से साल साल की मोहब्बतें ताल्क दोस्तियाँ सब में खलल आ गया और फिर क्या है ये सिर्फ बोला नहीं बल्कि क्या धमकी भी दे रहे हैं कि अगर तुम बाज़ ना आए तो हम तुम हम पत्थरों से तुम्हारा काम तमाम कर देंगे और तुमको हमारी तरफ से सख्त तकलीफ पहुँचेगी जब पैगम्बर पैगाम पहुँचा रहा होता है तो उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और उनमें से क्या है कि सबसे आखिरी हद क्या है कि हम अगर तुमने ये काम किया तो हम तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाएँगे और कैसी तकलीफ़ मिन्ना मन्नाजाबलीम ऐसी तकलीफ़ के क्या है तुम्हें भी दर्दनाक अज़ाब देंगे तो क्या है जब नबी या कोई भी अल्लाह का बंदा लोगों को अल्लाह की तरफ़ बुलाने के लिए निकलता है तो उससे इस तरह की मुश्किल का इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है लोग अक्सर बहुत सी हजरतें करते ये कहते कौन सा पैगाम आ गया है जो फिर का वारियत पर मंगने में पैगाम है ये कौन सा पैगाम है जो हमारे अबदाद के दिन को हला गया ये क्या हमारे गलत कर रहे थे क्या वो गलत थे या हमारे साथ कोई इस तरह गलत जब सुनने वालों ने ये बात कही तो क्या है पैगामबरों ने क्या जवाब दिया इन रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ ही लगी हुई है क्या इसको नूसरत समझते हो कि तुमको नसीहत की जाए बल्कि तुम तो हद निकल जाने वाले लोग हो यानी रसूलों ने कहा क्या कहा कि हर इंसान की नहूसत यानी ये जो तुम इस पैगाम को पहुँचाना नहूसत कहते हो यानी कि हमारे घरों में क्या तफरका आ गया है हमारी दोस्तियाँ छूट गई हैं हमारी मोहब्बतों में खलल आ गया है तो क्या है ये नहूसत तुम्हारे अपने आमाल की है कोई शख्स किसी के लिए मनहूस नहीं होता हर एक का अपना अमल उसकी को खुशकस्मत और बदनसीब बनाता है हर एक को की किस्मत उसकी करतन में लटकी हुई है जैसे तुम अमल करोगे वैसे ही तुम पाओगे बल अन तुम कौम मुशरफ बल्कि तुम कैसी कौम हो जो हद से निकल गई हुई है जो हद इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि जब भी हम हक़ का पैगाम पहुँचाने के लिए निकलेंगे तो हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी कभी धमकी के अंदाज में कभी हमें मनहूस कहा जाएगा कभी क्या है क्या कौन सा टाइटल लगेगा तो ये क्या है तमाम चीज़ें एक मबल को एक मकमल को फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि क्या है जब इस काम का अजर इतना बड़ा है तो उसमें आने वाले मसाइल भी उतने ही बड़े हैं बन तुम कौम और अपनी कौम के हद से बढ़े हुए रवैये के लिए एक मवलिक को एक पैग़म्बर को तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये हर ये चीज़ हर दौर में होगी और ये किस लिए ब्लेम किया जाता है ताकि बताने वाला को कि कमज़ोर किया जाए लेकिन और लोग जब कमज़ोर हो जाए तो वो ये काम छोड़ दे कौन सा काम छोड़ दे अल्लाह ताला के मैसेज को आगे कन्वे करने का काम छोड़ दे मगर हमें ऐसा नहीं करना लोगों की बातों को तहमुल से सुनिए और उनका बेहतरीन और बेहतरीन दलाइल के साथ उसका जवाब दीजिए कितना बेहतरीन जवाब है कि वो धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है क्योंकि इंसान जो अमल करता है वही वो, वो पाता है ये सब कुछ जब हो रहा था जब लोग ये सब कुछ कर रहे थे तो इतनी ही देर में कहा जाता है अगली आज में बताया जा रहा है वज़्र आमिन अक्सल मदीन तीन जुनू काला या कौम तबी उमसलिन और एक शख्स इसके शख्स के शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा एम कौम इन रसूलों की राह पर चलो और ऐसे लोगों की राह पर चलो ये क्या है ये दुरुस्त कह रहे हैं इत तब उमलक महतिन और ऐसे लोगों की राह पर चलो तो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते वो राह रास्त पर हैं तो क्या है जब ये सब मैं मुबा हो रहा था तो क्या है उसी शहर से आखिरी हिस्से से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने क्या कहा अपनी कौम को कि है मेरी कौम इन रसूलों की राह पे चलो ये रसूल उसने जो पैगाम सुना बस ये कहा कि मैंने माना और फिर क्या आगे लोगों को कह रहे हैं अपनी कौम को कह रहे हैं कि ये जो रसूल कह रहे हैं इनको बात को मान लो और ऐसे लोग हैं ये कैसे लोग हैं और उल्टा जवाबन उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं कह रहे हैं कि ये मुआवजा नहीं मांग रहे क्या अगर ये इनका कोई प्रोफेशन होता तो ये क्या है इसके बदले में तुम लोगों से कुछ मांगते लेकिन ये तो इस तरह कुछ नहीं मांग रहे तुमसे जवाबन ये तो सिर्फ ये कहते हैं कि अल्लाह की राह पे चलो सिर्फ अल्लाह ताला अल्ला की इबादत करो तो ये देख लीजिए कि जब हम डरते हैं कि किसी हम जब निकलेंगे पैगाम पहुंचाने के लिए पता नहीं लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे तो देखिए कि इन हज़ारों में से भी एक लोग ने आ एक बंदे ने आके कहे मान लिया तो हमारे पहुंचाने का हक हाँ तो अदा हो गया कि हमारी वजह से किसी एक इंसान को भी हिदायत मिल जाए तो वो कहे हमारे लिए वही काफ़ी है तो हम सोचें अब हमें सोचना है कि हम अपने रब के बारे में कितना जानते हैं ठीक है तीके? और हम किस लेवल के मान में है कि कहें कि हम लोग यही सोचते रह जाते कि नहीं अब ये कोर्स कर लें अब ये कर लें तो फिर हम आगे पहुँच जाएंगे नहीं जितना मिल गया है उसे आगे पहुँचाना शुरू कर दो जितना हक़ आ गया है उसे आगे बताना शुरू कर दो जवाबा तो? ने उसके शख्स को क्या बताऊँ माँ अली आबल तोड़ जाऊँ और मुझे क्या हो गया मैं इसकी इबादत ना करूँ जिसने मुझे पैदा किया है तुम उसी तरह तुम सब उसी की तरफ लौटाई जाओगे ये क्या है उसने रसूलों की बात की दलील क्या दी और बेहतरीन दलील दी कि मैं उस बन, उस रब की इबादत क्यों ना करूँ ये क्या है जिसने मुझे पैदा किया है फ़ात नहीं तुर्ज ये तो बंदे ये रसूल तो अल्लाह के पगम्बर मुझे तो उसी हस्ती की तरफ बुला रहे हैं जिसने मुझे पैदा किया है वह तुर्ज और क्या है उसी की तरफ हमें लौट के जाना है पैदाइश से लेकर आखिर तक का सफ़र उसने क्या है कुछ लफ् बयान कर दिया ये पैदाइश भी उस रब की दी गई है और लौटना भी उस रब की तरफ है मलाय के जो क्या मैं इसे छोड़ के ऐसे को मबूद बनाऊँ कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी नफा नफाना पहुँचा सके ना ही वो मुझे बचा सके फिर क्या कहा जा रहा है क्या मैं ऐसे मबूद जो मेरे किसी काम नहीं आ सकते उनको अब मानूँ जो मुझे कोई नफ़ा नहीं दे सकते उन बुतों को मैं मानूँ जो मेरे किसी काम नहीं आएंगे जो कोई मेरी मुश्किल में काम नहीं आ सकते क्या मैं ऐसे ऐसे मबूद बनाऊँ क्या मैं ऐसे महबूत बना बैठूँ कि जब मेरा असल रब रहमान जो रहमान है मुझे कोई नुकसान पहुंचाए तो ये महबूत तो मेरे किसी सिफारिश के काम में नहीं आ सकेंगे ना ही मुझे कोई फ़ायदा दे सकेंगे तो मैं क्यों ना उस असल रब को पहनूँ उसकी इबादत करूँ इन्नी इज़ल फिजल आलम फिर तो मैं यकीनन खुली गुमराहि में हो गया कि क्या है मैं एक, एक हस्ती को छोड़ के इतने ढेर महबूतों को मानूँ तो मैं तो गुमराह ही हूँ इन्नी आमन तुम्हें रबी गुम फसमाऊ मेरी सुनो मैं तो सच्चे दिल से तुम्हें सबके सब के रब के सब के रब पर ईमान ला चुका हूँ यानी क्या है इन्नी आमन क्योंकि बेशक मैं ऐमान ला चुका हूँ मेरे रबी को रब पर पसमाऊँ तो मेरी बात को सुनो मेरी बात को सुनो क्योंकि मैं इस रब को मान चुका हूँ जिसका मुझे इन रसूलों ने पैगाम पहुँचाया इन पैगामों का मैं पैगाम सुन चुका कीलत खुल जन्नत कालत या लैता या लैता कौमी या मोन कहा उससे कहा गया कहा जाता है कि क्या जब उसने ये बात की तो उसके शहर वालों ने उसको बस्ती वालों ने आगे बढ़ के कत्ल कर दिया जब उसे आगे बढ़ के कत्ल कर दिया तो उसे अल्लाह ताला ने डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दिया तो उसने जब जन्नत में पहुंचा तो उसको क्या है उसने उधर भी इतनी खैर खबाह इंसान के क्या है उसने उधर पहुँच के भी कहा कि काश मेरी कौम को इल्म हो जाए कि मैं किस जगह पर आ गया हूँ कि इस पैगाम ने उस रब को एक मानने ने मुझे कितना फ़ायदा दे दिया है उस पैगमरों की बात मानने ने मुझे कितना फ़ायदा दे दिया है काश मेरी कौम को इल्म हो जाए इतना अखलास इतनी खैर ख्वाही इतनी तड़प उस शख्स में थी कि अल्लाह ने उसके इस चीज़ के पर ही इसको जन्नत दे दी क्या हुआ जान ही गई ना जान जानी थी जान तो आनी जानी है ठीक है तो उस रब के लिए चली जाए उस रब की राह में चली जाए तो इससे बड़ी सालत क्या हो सकती है बीमा गफर गफ़रली रबी वजिमिनमक्रम के मेरे रब ने मुझे बख्श दिया मुझे बज्ज़त लोगों में शामिल कर दिया कि नबी स फरमाते हैं कि उस शख़्स ने जीते जीवी कौम के की खैर ख्वाही की मरने पर भी और देखिए कि किस चीज़ ने कि वो सिर्फ ईमान ले कर आया था उसने कोई लंबी लंबी नमाजें तज़दे नहीं पढ़ी थी लेकिन उसका अंजाम किसके साथ हुआ कि मुझे मेरे ने अपने बख्श दिया और मुझे बाज्ज़त लोगों में शामिल कर दिया बाज़्ज़्त लोग कौन होते हैं अम्बिया ठीक है अम्बिया तो क्या है उसके सिर्फ ईमान लाने में कि इतने लोगों की मुखालफत के बावजूद वो हक़ पर खड़ा रहा और इस हद तक मुखालफत बर्दाश्त की कि अपनी जान दे दी तो अल्लाह ताला ने भी उसको बेहतरीन अजर दिया आज हमारे लिए क्या चीज़ सबसे बड़ी रुकावट बनती है कि जब हम दीन की बात किसी को बताएंगे तो लोग हमारी इज़्ज़त पे हाथ उठाएंगे लोग हमारे को ब्लेम करेंगे लोग हमारे खिलाफ़ बातें करेंगे ये देखो ये आ गया है तो अल्लाह ताला ने वो अंजाम ही उसको बेहतरीन इसी तरीके का रखा कि है जब उसने अपनी इज़्ज़त कुर्बान की अपनी जान दी तो अल्लाह ताला ने उसका अंजाम क्या रख दिया इज़्ज़तदार लोगों में अला ही ही मिन मिन समाई कुन ना नामजन इसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा ना ही इसकी तरफ हम उतारा कर करते हैं वो सैदाद व तो सिर्फ़ एक जोर की थी के वो सब के सबके गए तो ये बात कि क्या हुआ इस कौम के साथ मामला क्या हुआ कि जो उन्होंने शख्स के साथ किया तो अल्लाह ताला कहते हैं एक लश्कर उतारा एक लश्कर उतारने की भी ज़रूरत ना पड़ी उस कौम के लिए उनके लिए तो सिर्फ एक चीज़ ही काफ़ी थी कि सब के सब बुझ के रह गए और ये किस वजह से हुआ एक पैर दैर पैकम्बल भेजे अल्लाह ताला ने एक बस्ती में लेकिन एक का इनकार, का दूसरे का का तीसरे का कानकार फिर अपनी तरह का उनका एक शख्स से उठ के उनको हक़ की तरफ बुलाते हैं उसको कत्ल कर देना तो अल्लाह ताला ने तो अपनी तरफ से हजत तमाम कर दी लेकिन ना वो ना माने तो फिर जवाबन अल्लाह उनको कह एक ज़ोरदार चीज़ से हलाक कर दिया कि वो सब के सब ख़त्म हो गए या हसरत अल इबाद माया तह रसूल का नबी या साज ऐसे बंदों पर अफसोस हाय कभी कोई भी रसूल इनके पास नहीं आई जिनकी हंसी उन्होंने ना उड़ाई हो ये अल्ला है अल्लाह ताली कहते हैं कि हसरत है बंदों के हाल पे क्या हाल कर दिया उन्होंने अपनी सरकशी में अपना अपनी नाफरमानी में अपना ही हाथ से अपने घर को अपनी मुस्कबिल को ख़त्म कर बैठे वो हसरत या हसरत नाने बात दुनिया में हमसे कोई चीज़ चली जाए कोई भी मामूली सी चीज़ एक सूट ही की मिसाल ले लीजिए क्या आपको कोई सूट पसंद आता है और इससे पहले कि वही कोई और लेके जा चुका होता है कि आप ख़रीदने जाए और उसको कोई वो नहीं तो आप हसरत करते रह जाते काश मैं क्या थोड़े टाइम पहले आ जाती काश मैं फ़ोन करके बुकिंग करा लेती और क्या ये मैं कोई ख़रीद के ना ले जाता लेकिन वो हसरत क्या है या हसरतना हसरत ऐसे बंदों में माया मैं रसूल का यहाँ कि ये लोग क्या मामला करते हैं कि इनके पास रसूल आता है तो तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं मजाक उड़ाते हैं रसूलों का मजाक उड़ाते हैं तो इनके लिए ये हसरत का मुकाम बन के रह जाएगा कि क्या है जब ये आखरत का असाब देखेंगे और ये जो रसूलों का मजाक उड़ा रहे हैं इन्होंने देखा नहीं अलम यरो कम अहलकन क़बला मिनल क़ुरुन अन्नाज क्या उन्होंने देखा नहीं कि इनके पहले बहुत सी कौमों को हमने गालत कर दिया कि वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे ये क्या है ये अब मजाक उड़ा लें पेगाम पहुँचाने वालों का मुबल्ग़ी का रसूलों का मगर क्या है इन्होंने आखिर एक दिन तो हमारे पास लौटना है और इनको सबक लेना चाहिए पिछली कौमों से पिछले मामला क्या अल्लाह ने ऐसे बहुत से मामला पहले कर चुके कि जिन कौमों ने नबियों के साथ ऐसा रवैया रखा उनको अल्लाह ताली ने किस किस तरीके से हिला कर दिया व इनकुल्मा जमयल नजर ही है कोई जमात मगर यह कि वह जमा होकर हमारे सामने हाजिर कर दी जाएगी कितना डरने की बात है कि क्या है हम जो मज़ाक उड़ा रहे हैं हम किसी मबल्क के ऊपर कोई बात कर रहे हैं उसके इज़्ज़त को उछाल रहे हैं तो हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि नहीं है कोई जमात यानी कोई भी मिल के तुम लोग करो या अकेले में वो काम करो अल्लाह ताला सब कुछ हाजिर कर देगा सबके सामने फिर अल्लाह फरमाते हैं व आयत पहले पेकमरों की बातों से समझाने की कोशिश की गई पे कमरों के ज़रिए इनको मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई अब अल्लाह ताली कहते हैं चलो उन उस तरफ से नहीं तुम नहीं मानते कि मबूद एक हैं तुम बुतों की तरफ लगे हो तो अब ये कायनात की निशानियों की तरफ फिक्र करो कि देखो कि इन में से इन चीज़ों में से किस किस चीज़ को तुम्हारे बुतों ने बनाया है जिनको तुम रब मानते हो उन रबों में, में से किसने इनमें से ज़मीन पर बसने वाली बनने वाली चीज़ों को बनाया है वह आयतलम तथा और इनके लिए एक निशानी है खुश ज़मीन में आई ही नम जिंदा करते हैं उसका वह अखरज ना और निकालते हैं, और निकालते हैं और उससे हब बन दाने गला मूँ उसमें से या खुलून वो खाते हो तुम ये क्या है अब देखो कि तुम ये जो ज़मीन है एक मुर्दा ज़मीन होती है ख़ुश ज़मीन होती है तुम इसमें बीज डालते हो आ यही ना अल्लाह ताली उसको ज़िंदा कर देते हैं उस ज़मीन के अंदर ऐसे कौन सी मशीनरी लगी है कि तो वो बीज को एक फल पौधे या दरख्त में बदल डालती है वह अखरज नामा हबन हाँ तुम्हारे लिए वो गल्ला उगा देती है और तुम इसी को खाते हो तो इससे बड़ी निशानी क्या होगी कि क्या है अब तुम इस चीज़ पर गौर विक्र करो कि ये सब कुछ करने वाला कौन है तुमने नबियों को तो जुटला दिया उसके पैगाम को तो जुटला दिया कि वो हम नहीं मानेंगे हम अपने बुतों की इबादत करेंगे लेकिन अब उन बुतों में से देखो कि इस ज़मीन में उगने वाली या कायनात की जितनी भी निशानियाँ हैं या जितना भी सिस्टम चल रहा है उसमें से तुम्हारे बुतों का जिनको तुम रबान की इबादत कर रहे हो उनका कितना हिस्सा है वजान नफी जन्नात मिल वायन वहा वा हमने इनमें से खजूरों के और अंगूरों के बागात पैदा कर दिए और जिनमें से हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं ये और दूसरी निशानी देखो कि पहले तो गला भी उगाती है दूसरी चीज़ हम उसमें खजूरों के और अंगूरों के बागात भी पैदा कर दिए हैं कि तुम्हारी ख्वाहत तुम्हारी ज़ुबान के टेस्ट के लिए अल्लाह ताली ने क्या है खजूर भी पैदा किए हैं अंगूर के बागात भी पैदा किए हैं और जिससे हमने चश्मे भी जारी कर दिए हैं यानी इनको सैराब करने के लिए चश्मे भी जारी हमारे पैदा किए हैं तो अब तुम कैसे झुटला सकते हो मेरे रब होने पर लिया कलुमिन समारे ही वामा आमिलत हो ए दी हिम यशकुन ताकि लोग इसके पल खाएँ और इसको हाथों से नहीं बनाया उन्होंने अपने हाथों से नहीं बनाया फिर क्यों शुक्र गुज़ारी नहीं करते अल्लाह तो कहते हैं क्या ये पल तुमने अपने हाथों से बनाया तुम तो बीज डाल के क्या है बेफिक्र हो जाते हो वो रब उस ज़मीन के अंदर क्या मामला करता है क्या सिस्टम चलाते हैं कि क्या वो फल खजूर अंगूर के बाग़ा लग जाते हैं और तुम उनको खाते हो मेरे तारा कहते तुम शुक्र गुज़ार क्यों नहीं बनते ये तुम्हारे हाथों ने तो नहीं किया इस सब निज़ाम को चलाने वाला कोई एक रब तो है ना उस रब को क्यों नहीं मानते तुम्हारे बुत तो ये काम नहीं कर सकते सुबहानजी खलकल खलवा जब्ल तुम बितरद वो पाक जाते हैं जिसने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया है ठीक है अल्लाह कहते हैं कि मैंने ज़मीन व आसमान का जोड़ा पैदा किया हर जानदार का जोड़ा जोड़ा पैदा किया तो क्या है जिस तरह गले के साथ क्या फल पैदा कर दिए तो क्या है इस दुनिया का जोड़ आखरत नहीं होगा तो इस दुनिया का जो जोड़ जो जो है वो आखरत नहीं होगा सुबहान लजी खलकल अजवाज कुल्ला तुम्बितमिन अनफुसम मम्मलामून यानी क्या बात क्या की जा रही है वो पाक है वजात जिसने हर चीज़ को जोड़ने में पैदा किया और ख्वा व ज़मीन की उगाई हुई चीज़ें हों या उनके नफूस हों खा वो चीज़ें हों जिन्हें तुम जानते नहीं हो यानी अल्लाह तला कह रहे हैं कि देखिए ज़मीन को भी क्या है ज़मीन में उगाई हुई चीज़ें और बाकी नफूस यानी हमारी अपनी जानेंदौलत तो क्या है एक जोड़ की शक्ल में है तो क्या दुनिया का जोड़ आखरत नहीं होगा तुम इस चीज़ का इन नहीं रखते हो तुम अगर इम नहीं है तो फिर मर के कहाँ जाते हो वो आए नस्ल नज़ा मुसलिम उनके लिए एक निशानी ही रात में है जिससे हम दिन को खींच देते हैं तो यका यकेरे में चले जाते हैं रह जाते हैं फिर अल्लाह तक जोड़ की ओर मिसाल बयान करके बता रहे हैं कि जिस तरह रात का जोड़ दिन है और रात में निशानी क्या है कि अल्लाह तेखो इतने वसी पैमाने पर एक चेंज ले के आता है और रोज़ाना ले कर आता है और दिन में दो मरतबा तुम इस चीज़ को देखते हो कि, कि अल्लाह ताला कैसे रात को दिन में से निकालता है और दिन को रात में से निकालता है ये जब सुबह सूरज निकलता है इतने अंधेरे में फटर के बाद तो किस तरह अल्लाह ताला उसको खेल चलाते हैं रोशनी को और इसी तरीके से जब इतनी रोशनी व पैमाने माने फैली होती है अल्लाह उस किस तरह अंधेरा कर जा कर देते हैं तो इसमें भी हमारे को लिए गौर फिक्र करने की बहुत बड़ी बात है तो जो शख्स अकल रखता है तो उसको इन निशानियों के ज़रिए ही रब मिल जाता है रब को पहचान लेता है फिर अगली निशानी जिसमें गौर व फिक्र के लिए कहा जाए वह शमसू तजरी तकदीर तकदीरिम और सूरज के लिए जो 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 मुकर्राह है वह उसी पर चलता है और यही है मुकर कर अल्लाह गा त ठीक है कि अल्लाह ताला क्या है सूरज को उसके एक मुकर पे चला रहा है और इससे अगले कदर वलका मकदर नज़िलह आदक कदीम और चाँद की हमने मंजिलें मुकर कर रखी हैं यहाँ तक के वो लौट के पुरानी टहने की तरह हो जाता है यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अल्लाह सूरज को क्या है अपने वक्त पे चला रहा है वो अपने वक्त पे आता है अपने वक्त पे गुज़र जाता है रोज़ाना ग्रूब होता है रोज़ाना तलु होता है इसी तरीके से फिर अल्लाह ताला कहते हैं चाँद की मंजिलें हमने बना ली हैं चाँद रोज़ाना एक मंजिल तय करता है फिर कुछ कंश्रात गायब हो जाता है फिर निकलता है तो कैसा होता है तो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है तो किस तरह का छोटा सा हो जाता है कि पुरानी टहनी की तरह खजूर की पुरानी टहनी की तरह सूख कर तो ये इस चाँद के जो मनाजिल तय होती हैं इसी से हम अपने महीनों सालों का हिसाब रखते हैं अपनी औकात अपनी आबादात का हिसाब रखते हैं तो ये चाँद का चलना चाँद की मंजिल मुकर होना चांद का छोटा बड़ा होना इसमें भी अहले अक़ल के लिए एक निशानी है व श्यम सेम वकी अंतिकल कमर विकल्न कुल फी फल की यस ना आफ्ताब की में मिजाल है कि चांद को पकड़े ना रात दिन पे आगे बढ़ जाने वाली है और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं क्या बात हो रही है कि सब अपने अपने मैदान में भूल हैं ना ही सूरज चांद को जाके पकड़ता है उसके काम में इंटरफेरेंस करता है ना चाँद चांद उसके काम में दखल देता है और ना ही रात दिन के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं सब को एक हुक्म है और वो उसी के मुताबिक अमल किए चले जा रहे हैं तो ये सूरज के लिए मुमकिन है कि वो चाँद को जाके पकड़े कि उसकी रोशनी ख़त्म कर दे या फिर कि चांद को ये मुमकिन नहीं कि वो सूरज की रोशनी को कम कर दे सब अपने मुकर करदा मेहबन में घूमते चले जा रहे हैं पहले कॉन्सेप्ट ये था साइंस का कि कहें ज़मीन स्टिल है और सूरज घूम रहा है हमारे फिर कहा गया कि नहीं ज़मीन भी मूव करती है और सूरज भी मूव करता है तो साइंसों की साइंस की बात तो डेली बदलती है लेकिन अल्लाह ताला ने चौदह सौ साल पहले इस किताब में बता दिया कि क्या हर चीज़ मूव कर रही है वो कुल्ली फिल फल की क्या हर चीज़ तैर रही है वह आए तो हम्ना जो हमल तो हम फिलफुल मशहून और इनके लिए एक निशानी ये है कि हमने इनको नसल को भरी हुई कश्ती में सवार किया ये क्या है यहाँ पे बात हो रही है हजरत नाम के हवाले से ये सबसे पहली सवारी जो बनाई गई कश्ती थी जहाज ठीक है उनके लिए एक निशानी उसमें भी है कि इस निशानी की क्या बात है कि अल्लाह ताला देखो कैसे इतने बड़े समंदर में कश्ती को चलाता है व खलक नीमा यर कबूल उनके लिए इस जैसी चीज़ें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं यानी इस कश्ती की सवारी के अलावा भी अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत सी सवारियाँ बनाई और देखिए वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान किस किस तरह की सवारियाँ बना रहा है हवाई जहाज़ समंदर में चलने वाली कश्तियों के अकसाम गाड़ियाँ किस किस तरह के अल्लाह तो अलग कहते हैं सवारियाँ बना दी तुमने और इन पर तुम सवार होते हो व इन न शोक हूँ फ़ला सली का जो अगर हम चाहते तो इन्हें डुबो देते हैं फिर ना तो कोई इनको उनका फर्याद रस होता कि वो बचाए कि क्या है कि समंदर में जब कश्ती चलती है तो अगर अल्लाह चलना चाहे तो उसको डुब दे मगर क्या है अल्लाह ताला कहते हैं कि जब उस वक्त कोई मुश्किल आती है तो क्या तुम किस पुकारते हो उस समर में वो उस वक्त बचाने वाला तुम्हें कौन होता है क्या तुम्हारे मोम बुद्ध वो, वो बुत जिनको तुम पूछते हो नहीं रब की तरफ पुकारते हो अन मन्ना लेकिन हम अपने रब अपनी तरफ से रहमत करते हैं एक मुद्दत तक इनके लिए फ़ायदा दे रहे हैं यानी ये डेली बेसिस पे कितने जहाज आते जाते हैं चाहे हवा में है चाहे गैस कश्ती है समंदर में है तो डेली कितने ही ये सब मूव कर रहे हैं चीज़ें लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत की वजह से हो रहा है ये सब कुछ और अल्लाह ताला कहते हैं एक मुद्दत तक तुम इन चीज़ों से इन सवारी से फ़ायदा उठा सकते हो व वैकमाबैन अदी को ममा खलफा को मम और, और इनमें से जब कहीं कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए ये क्या है अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि तुम दुनिया से फ़ायदा उठाओ दुनिया के चीज़ों से फ़ायदा उठाओ मगर क्या है क्या करो अल्लाह का डर रखो और क्या करो कर अल्लाह ताला के डर रखो माँ बिन आए दुको मामा खलफा और कह तुम अपने गुनाहों की बख्शिश मांगो गुनाहों से बचो और क्या ताकि किस वजह से गुनाहों से बचो ताकि अल्लाह ताला तुम्हें पर मजीद रहमत करे ममा तीन मिन आयत मिन आयाती रबी खानदा मिन थी

लाइट लेते हो निशानियों को लाइट लेते हो क्या गुजर जाते हो इस पर वौर नहीं करते हो अगर इन पर गौर फ़िक्र करने इंसान बैठे तो क्या है इंसान बहुत इन्हीं निशानियों से देख कर ही रब कोई मार्फ़त हासिल कर सकता है मगर वो ऐसा नहीं करता है ईसा किफ़र आमन तुम अज़ी इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से कुछ खर्च करो तो ये कुफ़ार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम उन्हें क्यों खिलाएं जिन्हें अलग जिन्हें अगर अल्लाह ताला चाहता तो खुद खिला पिला देता तो तुम ही खुली गुमराही में हो तो फिर क्या बात हो रही है कि कहे जब इनको हुक्म आता है कि कह तुम खर्च करो ओके खर्च करो इन लोगों को जिन पर अल्लाह ताला ने तुम्हें कम तुमसे कम दिया है ऐसे लोगों पे तुम खर्च करो तो काफ़ी जो लोग होते हैं वो क्या बहाना करते हैं आदनतम कि अल्लाह ताला अगर चाहता है इनको खिलाना तो अल्लाह ताला खुद दे देता या वही है ना कि कोई जब किसी को नेही का हुक्म दे या कोई अच्छी बात दे तुम आगे बढ़ गए तुम खुद कर लो ना हमें क्यों कह रहे तो यही मामला है कि क्या कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला ने कोई इनको खिलाना चाहता तो खुद खिला देते हमें तो ना बोलते तो ये इनके लिए बेहतरीन दलील यानी वो उनकी तरफ से बेहतरीन दलील है कि जो हमें हुक्म दे रहे हो हमें करने का कह रहे हो तो जो कहने वाले वो खुद कर ले तो ये ताबीली है कि वो कहते हैं कि इस तरह के बहाने हैं इन तुम अल्ला फिनला तौर कहते हैं ये खुले गुमराही है जो तुम इस तरह के मामलात कर रहे हो इस तरह के बहाने बना रहे हो और यून उन मत हज़लवा बिल्कुल तुम सालकिन फिर वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा सच्चे हो तो वो बतलाओ यानी अल्लाह ताली उनको हुक्म दे रहे हैं कि तुम के खर्च करो लेकिन वो क्या करें इस चीज़ को छोड़ो अगर खिलाना होता तो वो खुद खिला देता तुम ये बताओ ये जिस चीज़ की तुम बात कर रहे हो इस चीज़ के बारे में तुम बताना चाह रहे हो कि ये जो चीज़ का तुम वादा करते हो कि एक दिन है और किसे आना है तो ये कब आ रहा है चलो इसका तो तुम बता दो ज़रा तो इनके अंदर ज़रा भी आखिर तो खौफ नहीं इस बात से कि वो मजाक उड़ा रहे हैं इस चीज़ का कि क्या है तुम ज़रा बताओ जिस चीज़ से तुम इतना डराते हो वो आना कब है तो अल्लाह कहते हैं कि ये तुम कैसे मामला कर रहे हो माजरून अल्ला सियातों वाहत इन्हें सिर्फ एक सख्त चीज़ का इंतज़ार है जो इन्हें आप पकड़ेगी और ये बहुम लड़ाई झगड़े में होंगे अल्लाह का कहना तुम अब तो नहीं मान रहे तुम मज़ाक कर रहे हो तुम तरह तरह की हजरतें कर रहे हो लेकिन क्या है जब वो वक्त आएगा तो अल्लाह ताला को उस वक्त ना तो सिर्फ़ एक चीख होगी क्या एक सूर फूका जाएगा और सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी ठीक है मतलब तो कहते हैं जिस चीज़ के तुम पूछ रहे हो वो तो सिर्फ एक चीज़ की वजह से ही सब कुछ तबाह हो जाएगा ये जो तुम कर रहे हो लड़ाई झगड़े तो उमूा क्या है दुनिया में हम क्या कर रहे हैं कौमी कौमों से लड़ी है बाजारों में तो लड़ाई है मस्जिदों में तो लड़ाई है इधारों में तो है लड़ाई है तो हर कोई आपस में लड़ झगड़ा है और जब वो क्यामत आ जाएगी तो एक चीज़ होगी तुम्हारे बहमी झगड़े उसी तरीके से चल रहे होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे ज़िंदगी की हसल बसल जारी होगी यही लड़ाई झगड़े कोई एक से लड़े कोई कुछ दूसरे के टांग खींच रहे हैं लेकिन क्या है जब क्यामत आएगी तो सब कुछ ख़त्म और किस तरह ख़त्म एक चीज़ से ख़त्म हो जाएगा अल्लाह तैदुरत है कि वो क्या एक चीज़ से तमाम दुनिया को ख़त्म कर देगा मौलायून और तोसियत जौन इस वक्त कैसे इतना अचानक आएगा कितना तुम वसीत कर सकोगे ना अपने अहल की तरफ लौट सकोगे अगर जिधर जहाँ जिध तुम तो मौजूद होगे उधर ही तुम्हें की आमत आ पकड़ेगी तुम्हें इतनी मोहलत नहीं दी जाएगी कि तुम कोई वसीत करके जा सको या क्या है तुम अपने घर वालों की तरफ लौट सको मनोफीका फिसासीबू तो सूर फूँके जाते हैं सबके सब अपनी कब्रों से अपने परवानगार की तरफ तेज तेज़ चलने लगेंगे कि क्या है फिर दूसरे सूर की बात हो रही है कि क्या है जो एक सूर होगा वो सबको ख़त्म कर देगा जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो जो क्या है कब्रों में मौजूद लोग होंगे वो भी अपनी तरफ की तरफ भागने शुरू हो जाएंगे कालू या वन में आसमें मरकिन किसने कहेंगे हाय हाय हमें हमारे ख्वाब गाहों से किसने उठा लिया यही है कि जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था हाँ जमात रहमान सदमसलू ये क्या है इस चीज़ का तो वादा अल्लाह ताला हमसे कर चुके थे हमें क्यों उठाया गया ये असूल क्यों फूँका गया हम तो कब्रों में सोए पड़े थे इम्कान सैदाज़ा जमीदी मसलून और ये नहीं मगर एक चीज़ के यका सारे के सारे हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे जिस उस चीज़ को तुम झुटला रहे हो जिस चीज़ को तुम मजाक उड़ा रहे हो जिस चीज़ को तुम कायनात की इतनी बड़ी बड़ी निशानियाँ देख के नहीं मान रहे हो उस रब को तुम क्या आखिरकार तब मान जाओगे जब तुम उसके सामने हाजिर कर दिए जाओगे और किस तरह हाजिर कर दिए जाओगे कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर सारी दुनिया उसके सामने हाजिर कर दी जाएगी फलीमन और फिर क्या होगा कि हर किसी शख्स पे कोई जुल्म नहीं किया जाएगा और अब ालिम नहीं है वो तुम्हें बदला दिया देगा उन कामों का जो तुमने किए तो जो मकुन तुम टाम जो काम तुम इस दुनिया में रह के कर रहे हो उसी चीज़ का तुम्हें बदला मिल जाएगा यहाँ तक हदीस में ये भी आता है कि बेसिंग बकरी को अगर कि किसी सीघ वाली बकरी ने मारा होगा तो उसका भी बदला दिलवाया जाएगा तो आज हम सोचने के क्या है जब जानवरों के साथ ये मामला है तो हम इंसानों के साथ जो मामला करते हैं तो उसकी पूछ नहीं होगी हमें इल्ला आकुम तुम तमनों जो तुम अमल करते हो उसी की तुम जजा पाओगे वहाँ पे इन्ना असहाबिलजन्नत योम योमा को हून फिर क्या है जुटनाने वालों का जिक्र कर दिया कि earth... वो कब्रों से जब उठेंगे तो कहेंगे क्यों उठाया गया ये तो वादा आ गया रहमान ने तो सच कहा था रसूलों ने तो हमें सच कहा था हमारी बस्तियों में एक, एक एक दो दो, दो नहीं बल्कि कहीं कहीं पैगम्बर तो आए मुबलिक आए हमें सही राह दिखाने की कोशिश की हम नहीं माने अल्लाह ताला ने अपनी कायनात के ज़रिए बताने समझाने की कोशिश की हमने नहीं माना अल्लाह ताला ने अपनी किताब के ज़रिए समझाने की कोशिश की उस दिन के बारे में हमने नहीं माना हमने मजाक में उड़ा दिया तो फिर आज का तो वो दिन आ गया लेकिन जिन्होंने माना उनके साथ क्या मामला होगा इन जन्नत यम शुक्र फ़ाक वो क्या होंगे जन्नत लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगुलों में हशाश बशाश होंगे ये है वो खुश होंगे हशाश बशाश होंगे ये दोस्तों के साथ हंसी मजाक में होंगे जन्नत में बैठे होंगे और क्या है बेहतरीन जो मंजर है हम अजवा जम्फ़ी जिला मत वे बीविया सहरीों पर तकिया लगाए हुए हो बैठे होंगे बेहतरीन जगह आरामद जगह पर तकिए लगाए वो कह बैठे होंगे न हम फी हाक़मायद उनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे जो कुछ और तलब करेंगे ऐसी जन्नत है ये दुनिया में थोड़ी सी कुर्बानी तुम्हें क्या है उस रब की फिर मरदारी तुम्हें ऐसी जन्नतों में ले जाएगी जहाँ एक है आराम ही आराम सुकून ही सकून और जो तुम ख्वाहिश करोगे वो तुम्हारे लिए हाजिर कर दिया जाएगा पिर है, सलाम कौलम रहीम मेहरबान बरदार की तरफ सलाम कहा जाएगा सलाम सलाम किया जाएगा सलामती की दुआ दी जाएगी और किसकी तरफ़ से सलाम आएगा कि रब की तरफ़ से सलाम आएगा सलामती की आवाज़ें आएंगी और कौलू मबरिम उस रब की तरफ से कि आज क्यों है तुम साहिब ईमान अमन में आ गए अब इनके लिए सलामती ही सलामती हैं एक हदीस का मफहम है कि क्या तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तो तुम साहिब ईमान ना हो तुम साहिब ईमान हो नहीं सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत ना करो और तुम आपस में मोहब्बत कर नहीं सकते जब तक तुम आपस में सलाम की कसरत ना करो तो ये वो चीज़ है कि जो जब दुनिया में सलाम करने के आदी होंगे वहीं पर उनको कह ये तोफीक भी मिलेगी कि सलाम करें और फिर कह सलाम रब की तरफ से भी आएगा ये ख़ास एक तोहफा होगा उनके लिए मुमताज़ुल योम अयूहल मुजरिमून ए गुनागारो आज तुम अलग हो जाओ अब जिन्होंने जुटला दिया जिन्होंने उस शख़्स को बताने वाले मल्लिक को कत्ल कर डाला कि क्या किया तो अल्लाह ताली कहते हैं आज मुजरिम लोग जिन्होंने ऐसा मामला किया उनको अलग कर दिया जाएगा अलम इलैकुम या बनी आदम अल्ला शैतान लकुम अल्लाह तबान अदबिन एलाद आदम क्या मैं तुमसे कुरार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है कि अल्लाह तारा कह रहे हैं कि ये जो दिन आया है इस चीज़ का वादा तो मैंने तुम्हें पहले कह दिया था बताने की ये दिन आएगा लेकिन मैंने एक वादा तुमसे यह भी लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना शैतान के कहे पे ना चलना क्यों क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है लेकिन तुमने क्या किया माँ ने वून हाजत से राहत मस्तकीम और मेरी इबादत करना सीधे राह पे चलना मैंने तुम्हें दुनिया में दोनों रास्ते वाजे बता दिए थे कि शैतान का रास्ता रहमान का रास्ता लेकिन तुमने क्या किया जो बिल्कुल सीधे अफलमता शैतान ने तुम में से बहुत सारे मखलूक को बहकारा दिया और तुम क्या तुम अकल नहीं रखते थे कि अल्लाह ताला कहेंगे अःलाद आदम कि मैंने तो तुम्हें दुनिया में शैतान का रास्ता और रहमान का रास्ता साफ क्लियर बता दिया था अपने पेकम्बल भेज के अपने मुबलिक भेज के मगर तुमने क्या किया तुमने तो शैतान के कहने में आ गई जो शैतान ने वादा किया था अल्लाह ताल समझा कि मैं रोज़े क्या तक तेरे बंदों को भुटकाऊँगा तो उसने बेकारी का वादा तो पूरा किया लेकिन क्या तुम्हारे अंदर अकल नहीं थी कि तुम पहचान सकते उस चीज़ को कि क्या हल्त है क्या सही है क्या है इबादत वो मेरी इबादत करना अला तार नहीं।, नहीं था कि इबादत किसकी होगी सिर्फ रब की लेकिन आज हमने क्या हमने इबादत की मेहनत किसी और चीज़ों को बना लिया है हाजिर ही जहनमल्लि गुन तुम पोदूम फिर से कहते हैं इबादत किसी और की तो भी कहिए इस जहन्नम का अज़ाब चुप हो यही वो दोख़ख़ख है जिसका तुमसे वादा किया गया था ठीक है तो ये वादा जो तुम्हें दुनिया में दिया जाता था कि तुमने रहमान को छोड़ी कि किसी और की इबादत की शैतान के रास्ते पर चले तो तुम्हारे लिए जन्न दो है जहाँ तो ये दो तुम अब इसका वादा तुम्हारे साथ पूरा कर दिया गया है इस लोहर योम में ये क्या है ये दोज़ ये जहनुम हमारा तुम पर जुल्म नहीं है अपने कुफ़र का बदला है ये तुम पारे हो गए अपने इनकार का बदला है जो तुम दुनिया में हमारे इनकार किया करते थे उसका बदला तुम्हें दिया जा रहा है अलयम नखतीम अलाअवा मतलमुना दीम तशहदु अजुलहम बनुसम हम आज उनके आज के दिन उनके मुंह पे मोहरे मु� लगा देंगे और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे इनके पाँव गंवायाँ देंगे इन कामों की जो वो किया करते थे कि दुनिया में तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे आज तुम्हें क्या है इस मुंह पे इस जबान पर मोहर लगा दी जाएगी और जो तुम्हारी चीज़ें जो तुमने की हैं जो कुछ दुनिया में जो तुमने किया है अपने हाथों से अपने पाँव से जो गलत जगह पर चल के गए हैं ये जो गलत गलत झूठी गवाहियाँ देते रहे हैं ये सब कहें आजाद तुम्हारे बोलेंगे तुम्हारी ज़ुबान बंद कर दी जाएगी हाथ बताएगा कि, कि इसने हमारे साथ क्या गलत काम किया पाँव बताएंगे कि किस गलत रास्ते पर चल के गए तो ये आज के दौर में हमारी समझना नामुमकिन नहीं है ये हमारे पास आज इस तरह के आलाद है कि जिसमें हम रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो आज हमें साइंस में प्रूव कर दी कि हमारी स्किन के अंदर ऐसी चीज़ है कि जो कि रिकॉर्ड कर रही है सब कुछ तो जब हमारी स्किन सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है तो हम बच के कहाँ जाएंगे हमारा जिसम ही हमारे, हमारे खिलाफ सबसे बड़ा गवाह खड़ा हो जाएगा वलमशा उला तमस्ना अला आयोन व अगर हम चाहते तो इनकी आँखें बेनूर कर देते फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते लेकिन इन्हें कैसे दिखाई देता यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर हम चाहते तो तुम्हारी आँखों का नूर ले जाते तुम ये क्या करते बिनाई से महरूम कर देते फिर ये अल्लाह की तरफ दौड़ते फिरते लेकिन इन्हें कैसे दिखाई देता यानी फिर ये कैसे देखते जब इनकी आँखों का नूर ही चला जाता तो इनको सीधा रास्ता कैसे समझ आता मसखना हूँ अला मकान आते ही उनका मस्ताउमी अगर हम चाहते हैं इनकी जगह पर इनकी सोच से सफ़र मश कर देते फिर ना वो चल फिर सकते, नहीं सकते। ना ही वो लौट सकते यानी अल्लाह कहते हैं अगर तुम्हारी पैदाइश जिस तरह हुई थी उसको मस्क कर दिया जाए एक तो फिर ना तुम के आगे जा सकते हो ना ही पीछे लौट सकते हो इसकी एग्जांपल ये है कि इंसान जब पैदा होता है तो क्या है वो किस हालत में होता है और जब बूढ़ा होता है तो तब वो किस हालत में होता है इसीलिए कहा जाता है कि मई मैं मैं अमीर विलख़ल की अफला याकिन हम जिसे बूढ़ा करते हैं जो पैदाइश की हालत की तरफ लौटा देते हैं तो जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है उसी तरह जिस तरह वो जिस दुनिया में आता है उसी तरह का उसके साथ मामला होता है ये दांत नहीं होते हैं बुढ़ापे में हमसे हम हमारी सारी क़तें छीन लेते हैं जब जिस तरह बचपन में हमारी सारी क़वतें नहीं होती हम दूसरों के मोहताज होते हैं इससे बुढ़ापे में हम दूसरे के मोहताज बन जाते हैं अफल याक़िन कहते तो हैं क्या तुम अक़ल से काम नहीं लेते कि तुम अगर इसी चीज़ पर गौर कर लो तो तुम क्या अकलमंद होते तो तुम्हें हिदायत पा जाते कि अल्लाह ताली किस तरह कल को तब्दील कर देते हैं वामा ना होशा वामा बगे विक्रूँ कुरान बी ना तो हमने इस पे गम्बर को शेर सिखाया है ना ही इसके लायक है वो तो सिर्फ नसीहत तो वाज़ क़ुरान है कि जब उन्होंने देखा कि क्या है ये कुरान तो बहुत असर करता है दिलों पे इसका सुनना ही इंसान के दिल पर असर अच्छा करता है कि वो बदल जाता है तो उन्होंने क्या कहा कहाज के तौर पर ये तो पैकम्बर नहीं है ये तो शायर है ये तो शेर व शायरी है अल्लाह का कलाम नहीं है तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये शेर व शायरी तो नहीं है ये तो नसीहत है और किस शेर व शायरी में नसीहत की जाती है ये तो नसीहत है वाज कुरान है कुरान मुबीन है वाज वास् कुरान है तो यहाँ पर तो इशारा मुशरक़ी ने मक् की तरफ कि कहे वो जब देख रहे थे कि नबी ससम का कलाम सुन लो के लोग जल्द जल्द क्या वो तेज़ ब मुसलमान हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अच्छी बात यह है कि इनके ऊपर शायरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाए क्योंकि क्या है जब इंसान किसी के बात में दूसरी बात ऐड कर देते हैं कहीं उसकी शक पैदा कर देते हैं तो, तो इंसान छता हाँ है कि उसका हक़ है कि भी नहीं तो अल्लाह ताला कहते हैं नहीं जिक्र व वुरानन मुबीन ये कुरान नसीहत भी है और वाज पैगाम भी है मन व व यहीन लियम कौल अल वक्काफ़ी ताकि हर उस शख़्स को आगाह कर दे जो ज़िंदा है और काफ़िरों पर हजत साबित हो जाए अल्लाह कहते हैं ये फ़र्मानी हैं कि ये तो कुरान क्या है नसीहत है ऐसी नसीहत है जो शख्स इससे आगाह हो जाए जो ज़िंदा है तो वो इन काफरों पर हजत तमाम हो जाती है यानी इस हक़ को इस कलाम को वही पहचानेगा जब पहचान जाएगा जो ज़िंदा है यानी जिनके दिल जिंदा है जो जानते हैं शेर और शेर को अल्लाह कलाम के कलाम का फ़र्च जानते हैं तो वही लोग इस चीज़ को मान लेंगे कि ये क्या है नसीहत है और अल्लाह ताला की बात हक होगी काफरों पे क्या हक बात होगी कि जहन्नुम उनके लिए है इनकार करने वालों के लिए जहनम है अवालमोल्ला खल आमिल दीन अम पाओ तो क्या मालिक उनके अमल नहीं देखते हैं। हमने अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों को इनके लिए जो छुपाए हैं ये पैदा कर दिए जिनके ये मालिक हो गए थे यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखें कि छुपाए जो जानवर हैं वो मेरे बनाए गए हैं मैं उनका खालिक हूँ मगर मैंने उनको किस तरह तुम्हारे तुम्हारा तुम्हें उनका मालिक बनाया यानी तुम मालिक बन बैठे जिन चुपाओं का जिससे तुम फ़ायदे उठाते हो चुपाए जानवरों से तो क्या उसको पैदा करने वाला कौन है उसको बनाने वाला कौन है वो तो हमने अपने बनाए हाथों से बनाई चीज़ें हैं क्या तो तुम इस चीज़ पर भी ग़ौर फिक्र करनी करते तुम इसके मालिक बन के बैठ गए हो तुम इससे फ़ायदा उठाते हो दुनिया के वल्फ़ी मिनहार को बम याकुनू और इन मवेशियों को हमने इनके लिए ताब फरमान बना दिया है ठीक है ऐसे मवेशी बनाए कि जो तुम्हारे ताब फरमान जो तुम कहते हो जहाँ तुम जाते हो ले जाते हो जिस तरह तुम उनसे काम लेना चाहते हो तो वो तुम्हारे लिए काम कर देते हैं तो अगर यही मामला अगर अल्लाह ताला ताली मेरी को बजाय तो जंगली जानवरों के साथ काम लेना होता तो वही खाना पीना तुम्हारी जंगली तो क्या वो तुम्हारे ताब फ़रमान होते नहीं जिन चीज़ों से तुमने फ़ायदा उठाना था इस दुनिया के लिए अपनी ख़ुराक का या सवारी का तो अल्लाह ने इस चीज़ को तुम्हारे ताब फरमा कर दिया उन जानवरों को भी तुम्हारे ताब फरमा बना दिया लेकिन क्या तुम इस चीज़ के पे भी गौरव फिक्र नहीं करते तुम उसके ऊपर मालिक बन के बैठ गए और अपने आप को वाक़ी हकीकी मालिक समझ रहे उन चीज़ों का वजलम रकबो अमिन याक़ुनू उनमें से बाद में से तुम सवारियाँ करते हो बात तुम गोश खाते हो क्योंकि जो तो मवेशी जानवर होते हैं हम उनसे बहुत से फ़ायदे उठा रहे हैं हम उनसे सवारी का काम भी लेते हैं हम उनके गोश्त भी खाते हैं मतलब मुनाफे अफला यशुर इनसे तुम क्या बहुत से फ़ायदे उठाते हो पीने की चीज़ें भी बीमारफ यानी पीने की चीज़ें क्या फिर तुम शिक्र अदा नहीं करते तो देखिए मवेशी जानवर में गाय को एक एग्ज़ाम्पल ले, ले तो जो उससे दूध हासिल होता है उस दूध से तरह तरह के मशरूबात हम बना लेते हैं तरह तरह की चीज़ें बना लेते हैं तो क्या है अल्लाह कहते हैं क्या इस चीज़ पे भी तुम शुक्र अदा नहीं करते कि तुम एक मवेशी जानवर से इतने ढेर फ़ायदे ले रहे हो सवारी भी कर रहे हो गोश्त भी खा रहे हो उसका दूध भी इस्तेमाल कर रहे हो उस दूध से बनी हुई मुख्तफ़ चीज़ें भी इस्तेमाल कर रहे हो और तखिर आरो के थोड़ा दूसरे को बनाते हैं ताकि वो मदद किए जाएँ इतनी निशानियाँ देखने के बावजूद उनका मामला क्या है अल्लाह ताला के साथ ना शुक्री का फ़ुसराने नेमत का नेमतों तो से फ़ायदा उठाते हैं अल्लाह ताला की लेकिन अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते और क्या इबादत की करते हैं दूसरे मबूतों से उम्मीदें लगा के बैठे हैं लाइस्तियों नसर जुन हालाँकि उनकी मदद ताकत में है ही नहीं लेकिन फिर भी मुश्किल इंतज़ार हाजिर बाइश नशिकी के साथ मौजूद है यानी कहा जा रहा है कि जिस चीज़ को जिस मबूद ने जिस रब ने तुम्हें चीज़ें दी उसकी नाफरमानी करके तुम्हें किसी और को मबूद बनाते हो तो वो मबूद तो, तो इतनी भी ताकत नहीं रखते रखते कि वो तो तुम्हारी किसी किस्म की कोई मदद करें क्या ये बुध तुम्हारी मदद कर सकते हैं क्या जब तुम्हें किसी मदद की जरूरत होती है ये तुम्हारे लिए आते हैं नहीं पर कौलू इन नमायों से नोनायों ने नो बस आपको इनकी बातें का ना करें हम इनकी पोशीदा ऐलान सब बातों को खूब जानते हैं क्या बात की जनबिस को तसली दी जा रही है कि कहें ऐसी बातें होती रहेंगी ये इस तरह के मामला करते रहेंगे आप गम ना करें हम इनके पोशीदा ओलाने सब बातों से जानते हैं यानी जो आपके सामने आपको कह रहे हैं या जो पोशीदा बातें करते हैं कि आप शायर मजनून और क्या के अलकबा से नवाजते हैं तो आपको इनकी बातें गमनाक ना करें इन चीज़ों पर आप गम नाएँ

उस नियमतों से उन चीज़ों से उन सलायतों से फ़ायदा उठाने के बजाय जिस रब ने उसको इस इस मुकाम तक पहुँचाया उसी रब के लिए क्या है झगड़े करता खुल रहा है कि हम उसे मबूत माँद। नहीं मानते वाना अज़ाम खाल खलामीम और इसने हमारे लिए बयान कर दी और अपनी असल पैदाइश को भूल गया कहने लगा इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा कर सकता है यानी अल्लाह ताला जब मैं कह रहे थे कि हम कह मर्दों को ज़िंदा कर देंगे हम ये तुमने चले जाने के बाद एक नई दुनिया है तुम्हें उठाया जाएगा तुम्हें क्यामत के दिन हिसाब देना चाहिए देना होगा तो अल्लाह तैयार कहते तुम अपनी पहली पैदाश को भूल कि जब तुम कुछ नहीं थे तो अल्लाह ताली ने तुम्हें पैदा कर दिया तो क्या इन वो क्या जब कहते हैं इन गली सड़ी हड्डियों से कौन जिंदा होता है अल्लाह तै कहते हैं अपनी पैदाइश में तो गोर करो पहले तो तुम कुछ भी नहीं थे आज तो ये हड्डियाँ हैं इसके ऊपर हम दोबारा इंसान बना सकते हैं कुल पुल्यू हीज एम शाह माराति महबुल हलकिन आप जवाब दीजिए इन्हें वो जिंदा करेगा जिसने इन्हें अमल मरतबा पैदा किया जो सब तरह की पैदाइश का बूबी जानने वाला है कहते हैं फर्मा रहे हैं कि मैं पहले दोबारा मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है मैं तुम्हारे दोबारा जिंदा कर दूँगा जिस तरह पहले मैंने तुम्हें बना दिया जब पहली पैदाइश मेरे लिए मुश्किल काम नहीं थी तो क्या है अब तो दोबारा पैदा करना आसान काम है अल्लाजी जलाक नारंतुमिन वही है जिसने तुम्हारे लिए दरख्त से आग पैदा कर दी जिससे तुम यहाँ यह यह आग से लगाते हो ये क्या है ये दरख्त क्या है इससे क्या है अरब में जो दो दरख्त होते थे मौख और अफवाह इन दोनों की लकड़ियों को आपस में ये रगड़ते थे तो आग पैदा होती थी अल्लाह तो तौल कहते हैं खुश्क लकड़ी जलाई जाती है आग हासिल करने के लिए तो लेकिन तुम्हारे लिए तो ये भी निशानी पैदा कर दी कि क्या तुम सब सब दरख के लकड़ियों से ही गड़ने से आँख पैदा कर लेते हो और सामाखलिम जिसने आसमान और ज़मीनों को पैदा किया वो इन जैसों को पैदा करने पर बदन ही नहीं बेशक वो कुदरत रखता है वही तो पैदा करने वाला और दानाबीना है अल्लाह फरमा तो रहे हैं कि कहें मैं ही तो हूँ जैसे सब आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला मैं हूँ और फिर क्या जो इतनी बड़ी तकलीफ़ कर सकता है तो क्या तुम्हें दोबारा पैदा नहीं कर सकता तो यह महमलाकलीम वो क्या पैदा करने वाला और दाना है अलीम जानने वाला है इम अमरू अदा शहीकूल्फकू जब किसी चीज़ का अरादा करते हैं तो उसे इतना फरमा देते हैं कि काफ़ी हो जाए कि वह हो जाए तो वो इसी वक्त हो जाती है अल्लाह तहते हैं कि मेरी कुदरत मेरी बादशाह मेरे अला होने मेरे मामूल होने के लिए ये है कि मैं किसी चीज़ का कहता हूँ कुन पर तो वह फ़ौर हो जाती है तो मेरी बादशाह और मेरी कुदरत मेरी मबूदियत इतनी ज़्यादा है लेकिन तुम क्या इसका इंतजार करके चले जा रहे हो बस रुबहानल्लाजी अरे हमारा कुतु कुल शही तो, तो जाऊँ बस तो पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाह आता है जिसकी तरफ तुम सब लौटाए जाओगे जो आगाज़ में बात हुई मकदमा आसारा हूँ फिर उसके बाद जो इंसानों ने नहीं माना अल्लाह ताली ने पैगम्बल भेजे नहीं माना अल्लाह ताली ने कायत के निशानों पर गौर फिक्र करने का कहा नहीं माना सवारी को गौर फ़िक्र करने का कहा नहीं माना तो फिर जन्नत जहन्नम में अल्लाह तला ने वाजे कर दिया जब दुनिया में अमल अलग अलग तो अंजाम भी अलग अलग फिर अल्लाह तौ कहते हैं कि अल्लाह ताली की बादशाह ऐसी फैली हुई है कि क्या वो कुछ कहता था वो हो जाता है तो फिर सुबह अल्लाह से पाक है अल्लाह बादशाहत उसके हाथ में तुम नहीं मानो तुम बुतों को मानते चले जाओ लेकिन क्या है असल बादशाहत का मालिक तो वही रब है कुल और हर चीज़ उसकी मलकियत है वह इले ही तुर जाऊँ उसी की तरफ तुम लौटाए जाना है आज तुम चाहे जिस की इबादत मर्जी कर लो आज तुम व बल्ले को कतल कर दो अम्बिया की बात को मत मानो अल्लाह के कलाम बेगौरों फिकल मत करो लेकिन क्या है एक दिन आएगा वह इले ही तुर जाओ तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे कि तुम्हें क्या है लौटना उस सदब की तरफ ही है ये जो सूरत है हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं वजीफ़े के तौर पे पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें अगर हम इन आयात पे और वफ़िक्र करके पढ़ने वाले होते तो आज के हैं सुल्स होते यासिन को तो हम इस कलाम का अल्लाह ताला के कलाम का अल्लाह ताला की, अल्ला की मार्फत भी हासिल कर चुके होते और अल्लाह ताली की महबूदियत को भी मान चुके होते कह वो मबूद है हम उसकी इबादत करने वाले होते उसके साथ किसी को शरीक करने वाले ना होते जो तो यासीन इसीलिए ना इम्पोर्टेंट है किस लिहाज से अपने अकायद के लिहाज से अपने मैसेज के लिहाज से लेकिन क्या है हम इसे पढ़ते तो हैं या पढ़ते तो हैं हमारा माशा इस चीज़ को कसरत से लेकिन क्या है वो इसके ऊपर अमल नहीं कर पाना इसे समझ नहीं पाना अगर इसको समझ रहे होते तो क्या है आज हमारी दुनिया सबर की होती और हम अमरब की मार्फत के साथ जी रहे होते चलिए जी आज के लिए इतना ही काफ़ी है दुआ दुआ कर लेते हैं वह आखिर दवाना अनहमदिल्ला रबालमीन तुम्हारा हमद का शुरू अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू